अपना मुंह बंद कर लिया वो शुक्र मानो, वरना बहुत सी बातें बाहर निकलती, बहुत सी चीजें बाहर निकलती। That's it, I really don't wanna clear it. तुमने स्टार्ट किया है ना, खत्म करने तक यहाँ रुको। नहीं। आराम से बोलिए, आराम से। क्या नहीं आंटी, जब बोलना है, जब कुछ सुनना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूँ? जितनी बार मैंने बोला वो इंटरप्ट कर रही है। तो अपने भी कहो। आंटी मुझे डिस्कस ही नहीं करना तो मैं क्यों डिस्कस करूँ? I really don't care क्या बोलते लोग, मैं क्यों बोलते हैं? कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कोने कौन कितना कहीं से हमें कितना बुरा लग रहा है। डिस्कस है नहीं। पता मेरा मन कर रहा है सर पटक पटक के रोऊं मैं। प्लीज यू डोंट टॉक टू मी राइट नाउ प्लीज। No, even we don't want to talk. मेरा बहुत सिंपल सा कहना है और बहुत ही प्रैक्टिकल सा कहना है, अगर तुम्हें कोई बात छेड़ी है ना तो उसको कंप्लीट होने तक रुको। मुझे और आगे बात ही नहीं बढ़ाना, क्यों मैं बात बढ़ाऊं? मतलब क्या, हर बंदे का अपना एक सेंटीमेंट होता है। छोड़ो उसके बाद डिस्कशन बेकार है। तुमने बोल दिया, उसने भी उस दिन क्लेरिफाई कर दिया, मैंने भी कर दिया। हर चीज एक बंदे के हिसाब से नहीं हो सकती ना, हर चीज जैसे प्रियंका चाहे वैसी नहीं हो सकती ना। जब आपको सुनना ही नहीं है, जब आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप पूरी बात को सुनो, उसको फेस कर पाओ, तो फिर आप क्लारिफिकेशन मांग ही क्यों रहे हो? चिंगारी लगा के चले जाते हो, आग का सामना करना नहीं है, व्हाई इज इट? एंड देन आप रो देते हो। कहीं ना कहीं प्रियंका को डर लग गया कि इतना कुछ इन्होंने बोल दिया है। हालांकि प्रियंका काफी अच्छे मूड में आई थी ये सोच के कि चीजें बड़ी वो बोलती रहेंगी और हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, बट हमने ट्रूली रिएक्ट किया। मुझे घर जाना राजवीर, शादी करना है ना, मैं बाहर भी कर सकती हूँ, मुझे सही में जाना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे एक मिनट भी प्लीज। ऐसे तो नहीं होता, मैं एक मिनट एक सेकंड नहीं रुकना चाहती यहाँ पे, ओवर द लिमिट, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे शादी होनी है ना, वो बाहर भी हो जाएगी ना राज, नया शादी करना ही थी, अभी शायद मेरी शादी में कुछ हड़ल आ रहा है, मुझे वो देखना ना कि मुझे दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वो देखूं मैं। सबसे ज्यादा हर्ट वाली बात पता है इसने क्या की कि मैं तुम लोगों को 11 12 हफ्ते जो भी हैं रिस्पेक्ट नहीं करती, कोई लड़की ना रिस्पेक्ट करती है। दिस इज हर स्टेटमेंट एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा इतने दिनों से तुम क्या मुझे लव यू बोलती हो, जप्पी डालती रहती हो, आई केयर फॉर यू, निकाला उसने ये चीज, जो निकाल दी ना बहुत बड़ी चीज निकाल दी उसने। यार उसको दिख जाता है किस तरह का प्यार है। मैं तो मुंह पे बोल देता हूं यार क्या ड्रामा करता है। क्या उसकी बात को तुम समझो, उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन है अंदर से, ना तो कोई कमिटमेंट आ रही है उसको, ना मतलब नहीं आ रहे हैं हमें तो कुछ ना बोले ना। नहीं चलो कोई बात, कुछ कुछ दिख नहीं रहा कि उसकी शादी कोई करने वाला है उनके, कोई बात मुश्किल। मैं चाहती हूँ उसकी हो अच्छे से हो, सभी कहने का मतलब है कि ये बात में उसकी मम्मी की तरफ से कुछ नहीं है, तो परेशान है अंदर। मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे जैसे चिड़ियाँ लड़ती हैं ना चींची 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 करके, मुझे सब पता है कि ये सब टेम्परेरी है, सब है। वो सभी बेचारी बेचैन तीनों की तीनों हो जाती है, सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा आफत हो गई, और आधे घंटे बाद सबकी सब बराबर हो जाती है। मेरे प्यार नहीं किया ना सुबह से, इसलिए दोनों को मैं हवाई नहीं हो सकती, तुमने नहीं करती उसी तरह से, दोनों बात भी नहीं करनी है। मैं नहीं पराठे बना के लड़ाई झगड़े करके मेरे साथ ही रहा करो यार, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती बिना मतलब के। रिलैक्स करो, जो होता है तो तुम आसपास अगर गुजर रहे होते ना तो मैं शर्म के मारे ही नहीं इतनी ना लड़ती। कौन है ये, कौन है मुझे तो पता ही नहीं, कौन हो तुम बोलो बोलो। तुम्हें सब खेल रहे हो, तुम्हें गेम खेलनी आती है ये वाली, मैं कुछ लिखूंगी तुम बताना वो क्या लिखा है मैंने। अच्छा तुम आंख बंद रखना हाँ, ठीक है बताना मैं क्या लिख रही हूँ। रोंपा, तुमने देखा है? आज सुबह देखा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, 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 अच्छा। इरेज 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 हितेश आपको मेरा कल दिखाते हैं गाना के गाने के। प्यार भरा खेल खत्म हुआ ही था कि तभी दरवाजे पर हुई दस्तक। इस बार जो मेहमान घर में प्रवेश करने वाले हैं, उन्हें देख के कुबरों के होश उड़ जाएंगे। क्या बात है, बहुत आराम फरमा रहे हो। नमस्ते आंटी। पापा ही चले गए इसका मतलब आराम फरमाओ। सरप्राइज।
अरे हम लोग उधर रहेंगे लेकिन निगाह इधर ही रहेगी। साफ सफाई चाहिए। कैसे हो गया? कैसे हो गया? मेरे मतलब कि क्या कर रहे हो? फंस गए? नहीं नहीं फिर फंस गए। बहुत बढ़िया। आज आज इतना गंदा पेन भी छूट गया हाथ से मेरे। उलट पुलट। हाँ तभी तो आए हैं हम लोग। गुरप्रीत तेरी मॉम मेरी मॉम आई है। ओह गॉड दीदी मम्मी आई है। मेरी मॉम कहती क्या बात है बहुत आराम फरमा रहे तुम्हारी मॉम ने बोला। कहाँ बैठे आप लोग? सब जगह भरा हुआ है इतना गंदा। जुड़े हुए रिश्ते को शादी के बंधन की तरफ ले जाने के मकसद को लिए कन्याओं की मम्मियां आई हैं उनके साथ एक हफ्ते के लिए रहने। ऐसे में प्रियंका की बड़ी बहन का ना आना प्रियंका के मन में उठा रहा है कई सवाल।